मैं प्रियंका रतूरी और आप सबका स्वागत करती हूँ प्रियंकास किचन में। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग सुरक्षित होंगे। जब भी हम अपनी किचन के लिए कोई नया कुकवेयर लेने का प्लान करते हैं तो हमारे मन में कई सारे सवाल और कन्फ्यूजन उठते हैं। कौन से कुकवेयर का मटेरियल हमारी और हमारी फैमिली की हेल्थ के लिए सेफ है, नहीं है? कौन सा कुकवेयर हमारे किचन के लिए जरूरी है या नहीं है? क्या आपके मन में भी ऐसे कई सारे सवाल उठते हैं? तो आज का मेरा वीडियो डेडिकेटेड है इन सभी सवालों के जवाब के लिए। आज हम बात करेंगे मेरे फेवरेट एसेंशियल एंड सेफेस्ट कुकवेयर्स फॉर इंडियन कुकिंग। फिर चाहे आप अपना घर शिफ्ट कर रहे हो, नया किचन सेटअप कर रहे हो, आप अपने किचन का मेकओवर कर रहे हो, या किसी त्योहार के आने की वजह से आप प्लान कर रहे हो कुछ नए कुकवेयर खरीदने का। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वो बेल आइकन बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिल सके। अगर आपका कोई भी सुझाव है, कोई सवाल है, तो प्लीज उसे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जिस कैटेगरी के बारे में हम बात करने वाले हैं वो है हार्ड एनोडाइज्ड कुकवेयर की कैटेगरी। हार्ड एनोडाइज्ड कुकवेयर होते हैं इस तरह के ब्लैक कोटिंग वाले, ये आपने मार्केट में देखे होंगे। फ्यूचरा, प्रेस्टीज, हॉकिंस, कई ब्रांड्स में ये अवेलेबल है मार्केट में। अब हार्ड एनोडाइज्ड कुकवेयर होते क्या है? हार्ड एनोडाइज्ड कुकवेयर आर कुकवेयर्स जिनको कि एनोडाइज्ड प्रोसेस से बनाया जाता है, जिसमें कि होते तो ये एल्यूमिनियम के ही हैं, पर इन पर लोअर टेम्परेचर और हाई वोल्टेज का ट्रीटमेंट करके ये ब्लैक कोटिंग क्रिएट की जाती है, जिससे कि वो जो एल्यूमिनियम का सरफेस है वो काफ़ी हार्ड हो जाता है और उससे एक नॉन स्टिकी कोटिंग बन जाती है। आप देखेंगे ये इस तरह की कोटिंग इनके अंदर क्रिएट हो जाती है, इसलिए ये नॉन स्टिक से कई गुना ज़्यादा सेफ होते हैं, क्योंकि इसमें किसी भी तरह का टेफ्लोन कोटिंग यूज़ नहीं की गई है, जो कि हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही टॉक्सिक है। इसको यूज़ करना भी आसान है, इसमें ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप वुडन या सिलिकॉन स्पैटुला ही यूज़ करना है। स्पैटुला स्टील का या वुड का जो भी आप करते हैं यूज़ वो कर सकते हैं, लेकिन इसको क्लीन करते वक्त हमें ध्यान रखना है कि हम स्टील का जो स्क्रबर होता है उससे साफ ना करें, इसको स्पंज या स्कॉच ब्राइट का जो ग्रीन वाला साइड होता है उससे आप साफ कर सकते हैं, जिससे कि इसकी क्लीनिंग भी हो जाएगी और इसका सरफेस भी अच्छा रहेगा। इसमें कई तरह के प्रोडक्ट्स आते हैं। कुकर मेरा फेवरेट है, बिकॉज कुकर हम सबको ज़रूरत होती है। तो जनरली हमारे इंडियन किचन में हम एल्यूमिनियम के कुकर्स बहुत यूज़ करते हैं, तो उसकी बजाय आई वुड प्रेफर अ हार्ड एनोडाइज्ड प्रेशर कुकर। तो वो है, फिर आप सॉस पॉट ले सकते हैं, सॉस पैन ले सकते हैं। इसका तवा भी बहुत अच्छा लगता है मुझे, उसमें रोटी चिपकती नहीं है और बहुत आसानी से रोटी बन जाती है। हमारी नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ कुकवेयर है वो है स्टेनलेस स्टील। हम सभी स्टेनलेस स्टील के बर्तनों का इस्तेमाल करते हैं, हमारी दादी, नानी, मम्मी, सभी लोग इन कुकवेयर्स को यूज करते हुए आ रहे हैं, इसलिए हम सभी ये जानते हैं कि ये कितने ड्यूरेबल, स्ट्रॉन्ग, लॉन्ग लास्टिंग और इजी टू मेंटेन है। पर हमें ये जानना भी जरूरी है कि ये हमारी हेल्थ के लिए कितने अच्छे हैं। स्टेनलेस स्टील के बर्तनों में किसी भी तरह का कोई हेल्थ रिस्क नहीं है, ये PFOA एंड PTFE फ्री है। इस वजह से किसी भी तरह के टॉक्सिन्स हमारे खाने में रिलीज नहीं होते हैं, कोई केमिकल हमारे फूड में लीच नहीं करता। किसी भी तरह का कोई केमिकल कोटिंग ना होने की वजह से आप हमारा जो फूड है उसके जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो काफ़ी हद तक ऑलमोस्ट 70% तक रिटेन करके रखता है। स्टेनलेस स्टील स्टैटिक नेचर का हो जाता है जब आप इसको थोड़ा सा हीट अप करते हैं और जब उस पर ऑयल डालते हैं तो एक टेम्पररी नॉनस्टिक कोटिंग क्रिएट कर देता है। हमेशा इसे लो फ्लेम पर या मीडियम फ्लेम पर ही इसमें कुक करें और हमेशा ये कोशिश करें कि जब आप बर्तन खरीदें तो उसका जो बॉटम है वो हैवी हो। अगर बॉटम पतला होगा तो स्टेनलेस स्टील के जलने का और खाने के भी बर्न होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं और वो इतना स्ट्रॉन्ग भी नहीं होता। अब हम बात करेंगे कि स्टेनलेस स्टील में क्या क्या बर्तन हमारे किचन के लिए ज़रूरी है। तो आप और डिटेल में इसकी जानकारी चाहते हैं तो ऊपर दी गई लिंक को ज़रूर फॉलो करें, पर यहाँ पर मैं आपको बताती हूँ इसके अलावा भी मैं जो एसेंशियली यूज़ करती हूँ अपने किचन में। सबसे पहले तो मेरे पास ये 3 बोल्स का सेट है, लार्ज, मीडियम एंड स्मॉल। ये तीनों बोल्स मेरे पास ऑलमोस्ट 12 ईयर्स से हैं और ये काफ़ी अच्छी स्टील है, काफ़ी थिक है, पीन में कोई क्रैक नहीं आया है। हाँ, थोड़े से स्क्रैचेस आ जाते हैं बिकॉज कई सालों से हम यूज़ कर रहे हैं इसको और इसमें कई तरह के स्पैटुलास लगते हैं तो अंदर स्क्रैचेस आ जाते हैं, बट दैट्स फाइन क्योंकि क्लीनिंग अच्छे से हो जाती है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसमें आप सैलड्स बना सकते हैं, इसमें आप केक मिक्स कर सकते हैं। बाद एक मेरे पास 2 कढ़ाइयाँ हैं,
इंडियन कुकिंग में कढ़ाई की बड़ी ज़रूरत पड़ती है, तो एक मीडियम साइज़ की कढ़ाई है और एक स्मॉल कढ़ाई है। इन दोनों ही कढ़ाइयों के बॉटम अगर आप देखेंगे तो काफ़ी थिक है, देखिए काफ़ी थिक बॉटम्स हैं इसके, तो इस वजह से खाना जो है वो जलता नहीं है, और अगर आप स्लो एंड मीडियम हीट पे कुक करते हैं तो बहुत अच्छे से इसमें सब्जी बन जाती है। तो ये बड़ी वाली कढ़ाई में आप आराम से चार लोगों के लिए सब्जी बना सकते हैं, एंड दिस स्मॉल कढ़ाई यू कैन मेक सब्जी फॉर वन और टू पीपल वेरी इजीली। फिर उसके बाद एक फ्राई पैन है, इसमें आप शैलो फ्राई कर सकते हैं, ऑमलेट्स बना सकते हैं। देन वी हैव ये हमारे सॉस पैन, तो इस सॉस पैन में आप डिफरेंट तरह के सॉसेस बना सकते हैं, पास्ता बना सकते हैं, चाय बना सकते हैं, कॉफी बना सकते हैं, दूध गर्म कर सकते हैं। सो दिस इज अ मल्टीपर्पज थिंग। ये बहुत ज़रूरी पॉट नहीं है, दिस इज सॉस पॉट, ये मुझे ज़रूरी लगता है क्योंकि ये आपकी यूटिलिटी और प्रेफरेंस पर डिपेंड करता है। अगर आपके किचन में ज़्यादा लोग हैं तो आप ये ले सकते हैं, क्योंकि इसमें कोई भी अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में कोई चीज़ बना रहे हैं, बिरयानी बनानी है, पुलाव बनाने हैं, खिचड़ी बनानी है, या आपको कुछ भी ज़्यादा क्वांटिटी में कुक करना है, तो उसके लिए ये सॉस पॉट बहुत काम का चीज़ है। सो ये कुछ बेसिक कुकवेयर हैं जो अगर आपके किचन में स्टेनलेस स्टील के हैं या इनमें से आप अपनी प्रेफरेंस के हिसाब से चूज कर सकते हैं, तो आई थिंक यू विल हैव अ गुड कलेक्शन ऑफ स्टेनलेस स्टील कुकवेयर इन योर किचन। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट कैटेगरी। सो आवर नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ कुकवेयर इज ग्लासवेयर एंड सिरेमिकवेयर। ग्लासवेयर एज आई से दीज आर ऑल बोरोसिल के ग्लासवेयर जो हमें बहुत ईजली ऑनलाइन अवेलेबल हैं, आप वहाँ से ले सकते हैं। ये जो कुकवेयर्स हैं ये हर तरह की चीज़ों में मैं यूज़ करती हूँ, मिक्सिंग के लिए, बेकिंग के लिए, माइक्रोवेव में, एवरीवेयर। दिस पैन आई यूज़ फॉर बेकिंग केक्स एंड लज़ानिया, पास्ता, बेक्ड वेजिटेबल्स, सो दीज टू आर माई फेवरेट पॉट्स। देन अनदर फेवरेट इज दिस इज अ सिरेमिक पॉट विद अ लिड। सो सिरेमिक इज अगेन इन द वेरी हेल्दी कुकवेयर। सिरेमिक इज फायर हार्डन क्ले, इट इज कम्प्लीटली टॉक्सिन फ्री, इवन ग्लासवेयर, इसमें किसी भी तरह के टॉक्सिक गैसेस रिलीज नहीं होते हैं। ये टेम्परेचर रेजिस्टेंट है, तो आप 450 डिग्री सेंटीग्रेड तक इनको हीट अप कर सकते हैं। काफी स्ट्रॉन्ग है, हैवी है, यू जस्ट नीड टू हैंडल इट विद केयर, दैट्स इट। इसकी क्लीनिंग में बस हमें थोड़ा सा ध्यान रखना होता है, आपको एक लिक्विड डिटर्जेंट के साथ नॉर्मल स्पंज से या स्कॉच ब्राइट से आप इसको क्लीन कर सकते हैं। सो दिस इज माई फेवरेट ग्लास एंड सिरेमिक वेयर। साथ ही साथ मैंने अभी कलेक्ट करना शुरू कर दिए हैं इस तरह के ग्लास बॉक्सेस विद अ प्लास्टिक लिड। इसको अगर आप माइक्रोवेव में रख रहे हैं तो लिड निकाल दें और उसके बाद इसको इसमें खाना गर्म कर सकते हैं। उसके अलावा जो भी लेफ्ट ओवर्स होते हैं किचन में उसके लिए ये परफेक्ट है। सो दिस इज माई ग्लास वेयर, another very very good very healthy cookware set you can have in your kitchen. Now comes my most favorite category of cookwares, which is cast iron and iron. This is iron की कढ़ाई जो हमारे घरों में होती हैं और काफ़ी sizes में ये कढ़ाइयाँ होती हैं। Even हलवाई भी अपनी काफ़ी सारी cooking करने के लिए यही कढ़ाइयाँ use करते हैं। And then there is a cast iron product. Now what is the difference between these two things? तो कढ़ाई जो होती है वो आयरन की शीट से बनती है, उसको हथौड़े से ठोक ठोक कर पतला करते हैं और फिर इस तरह की कढ़ाई का शेप दे देते हैं। कि कास्ट आयरन जो होता है आयरन एंड स्टील के ब्लॉक्स को मेल्ट करके मोल्ड करके फिर कास्ट किया जाता है और उस तरह से ये कास्ट पैन्स बनते हैं, इसलिए ये वेट में काफ़ी हैवी होते हैं। अगर आप इन दोनों का वेट देखें तो दिस पैन इज ऑलमोस्ट 10 टाइम्स हैवियर देन दिस। दिस पैन is very very good. Why? ये जो पैन है ये काफ़ी चूंकि थिक होते हैं तो इस पर हीट बड़े अच्छे से रिटेन करता है, ये क्योंकि काफ़ी पोरस है तो हीट को रिटेन करके रखता है, जिसकी वजह से आपका खाना स्लो और बहुत ही अच्छे से कुक होता है, हीट इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होती है, इसमें किसी भी तरह के टॉक्सिन्स ये रिलीज नहीं करता है। चूंकि इसमें हीट रिटेन रहती है और स्लो कुकिंग होती है तो हमारे फूड के जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो 97% तक रिटेन करके रखता है। इन दोनों प्रोडक्ट से ही आयरन रिलीज होता है जो कि हमारे फूड में भी जाता है, जो हमारी बॉडी के लिए बहुत हेल्दी है। कास्ट आयरन के साथ सिर्फ एक ही चैलेंज है जो लोगों को लगता है, वो ये है कि एक तो ये थोड़ा हैवी है हैंडल करने में, दूसरा इसको मेंटेन करना। लोगों को लगता है कि इस पर रस्ट लग जाता है, इसको क्लीन करना बड़ा मुश्किल है, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपने इसको एक बार अच्छे से सीजन कर लिया और हर कुकिंग के बाद थोड़ा सा सीजन करके रखा तो ये परफेक्ट रहते हैं। इसको कैसे क्लीन किया जाता है, सीजन किया जाता है, मेंटेन किया जाता है, इसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो बनाया हुआ है जो मैं जल्दी ही रिलीज करूंगी। अगर आप देखना चाहते हैं इसी समय लाइक करें
और अपने कमेंट्स में जरूर लिखें कि आप इसकी ये वाला वीडियो देखना चाहते हैं। अगर आप और कुछ भी ना लेना चाहें तो एक पैन जरूर लेकर रखिए। इस पैन में आप कुछ भी कुक कर सकते हैं, शैलो फ्राई कर सकते हैं, डीप फ्राई कर सकते हैं, रोस्ट कर सकते हैं, ग्रिल कर सकते हैं, नूडल्स बना सकते हैं, सब्जी भी बनाती हूँ मैं इसमें, रोटी भी सेक सकते हैं आप इस पे। तो अगर आप कोई और कास्ट आयरन का बर्तन लेना लें पर ये पैन जरूर लें। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज द बेस्ट क्ले पॉट्स। ये वो क्ले पॉट्स हैं जो कि सदियों से इंडिया में यूज होते हुए आ रहे हैं, और वो कहते हैं ना कि वापस अपनी जड़ों की तरफ ही जाते हैं हम, बैक टू बेसिक्स। सो दिस इज दैट बेसिक थिंग। दिस इज अर्थन, सिंपल अर्थन पॉट जो आपको किसी भी लोकल वेंडर से, लोकल आर्टिजन से आप खरीद सकते हैं। आजकल ऑनलाइन भी मिलते हैं। कोशिश करिए कि आप ग्लेज्ड वाले ना लें जिसमें शाइन होता है, वो वाले ना लें और इस तरह के पॉट्स लें। इनको आप घर पर ही सीजन कर सकते हैं और दे आर परफेक्ट टू यूज। ये हमारी हेल्थ के लिए दी बेस्ट कुकवेयर्स। हर तरह की ड्राई सब्जी जो होती है वो मैं इसी कढ़ाई में रेगुलरली बनाती हूँ। पॉट्स हैं ये, पोरस होते हैं, इसमें ऑयल बहुत कम लगता है। आप थोड़े से ही ऑयल में काफी अच्छी कुकिंग कर सकते हैं। खाना इसमें स्लो बनता है एज कम्पेयर टू अदर मॉडर्न प्रोडक्ट्स, पर ऐसे ही खाना बनना चाहिए, स्लो ही बनना चाहिए, क्योंकि जब खाना तेजी से बनता है तो वो अपने न्यूट्रिएंट्स लॉस करता है। इसमें हमारे फूड न्यूट्रिएंट्स 100% रिटेन करके रखता है क्ले पॉट। इसीलिए आपने सुना होगा कि लोग कहते हैं कि चूल्हे पे बने हुए मिट्टी के बर्तनों के खाने का स्वाद ही अलग होता है। वो इसलिए होता है क्योंकि वो खाना जो मिट्टी के बर्तनों में बनता है वो बहुत ही हाई होता है सल्फर, मैग्नीशियम, कैल्शियम। तो ये बहुत ही अच्छा है, ये हमारे खाने का जो नेचुरल ऑयल है और उसका जो मॉइस्चर है उसको रिटेन करके रखता है। तो अगर हम बात करते हैं हेल्दी खाना बनाने की, लेस ऑयल यूज़ करने की, तो आई वुड हाईली रिकमेंड कि इंस्टेड ऑफ यूजिंग नॉन स्टिक पॉट्स यूज़ अर्थन पॉट्स। इट मे टेक अ लिटिल टाइम बट ये हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छे हैं। इसका बेसिक नेचर जो होता है अर्थन पॉट्स का, वो अल्कलाइन होता है जिससे पीएच बैलेंस भी मेंटेन करता है। मेरे पास एक कढ़ाई है और एक पॉट है, हांडी है, जिसमें आप दाल, कड़ी, किसी भी तरह की बिरयानी और कुछ भी बना सकते हैं। आपको देखने में लगेगा कि ये काफ़ी अंदर से काला है, देखिए ये पीछे से भी काला है, बट इट डजेंट मैटर। इस ये ऐसे ही हो जाता है क्योंकि ये मिट्टी है, पकती जाती है धीरे धीरे। बस आपको इसकी क्लीनिंग में ध्यान रखना है कि इसमें किसी भी तरह का सोप यूज़ नहीं करना है। तो जैसे ही आपने इसे यूज़ किया, खुद इसमें बनाया, कुक किया, उसके बाद इसको अच्छे से पानी से पहले साफ़ कर दें। पानी से साफ़ करने के बाद इसको पानी से भरें और थोड़ा बॉयल होने दें पानी को। उसमें आप थोड़ा सा लेमन डाल सकते हैं या थोड़ा सा सोडा डाल सकते हैं और उस पानी से बॉयल करके अच्छे से खंगाल के निकाल दीजिए और फिर इसको सन ड्राई होने दीजिए। दैट्स द बेस्ट वे टू यूज़ इट। क्योंकि अगर आप इसमें सोप यूज़ करते हैं तो जैसे कि मिट्टी पोरस होती है तो वो जो साबुन होता है उसके दाने, उसके लेफ्ट ओवर्स इसमें अंदर चले जाएंगे जो बाद में हीट अप होने पे हमारे खाने में आ सकते हैं। तो एक पॉट और एक कढ़ाई, अगर आप कुछ और भी लेना चाहें तो वो भी ले सकते हैं, बट आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट कॉम्बिनेशन यू कैन हैव। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा और ये जो जानकारी हमने आज शेयर की है आपके साथ ये आपके काम ज़रूर आएगी। अगर इस इन्फॉर्मेशन को ध्यान में रखते हुए आप कोई भी नया चीज़ खरीदने का प्लान करते हैं तो प्लीज़ उसे कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताएं। मैंने इन जितनी भी कैटेगरीज़ की बात की है इसमें इसका मतलब ये नहीं है कि आपको वो सभी खरीदनी है, बट आप अपनी फेवरेट किसी भी कैटेगरीज़ में से कुछ एसेंशियल आइटम्स पिकअप कर सकते हैं। जैसे कास्ट आयरन में से आप एक पैन ले सकते हैं, कुछ स्टील के कुकवेयर, बेसिक कुकवेयर, कढ़ाई और सॉस पैन और सॉस पॉट खरीद कर रख सकते हैं, एक फ्राई पैन रख सकते हैं, बोल्स रख सकते हैं दो ग्लास के और दो स्टील के, क्ले पॉट रख सकते हैं, और इस तरह से आप एक अपना असेंबली बना सकते हैं ऑफ डिफरेंट कैटेगरीज। अपनी चॉइस और प्रेफरेंसेस को ध्यान में रखते हुए, अपने टाइम अवेलेबिलिटी को ध्यान में रखते हुए अपने डिसीजंस लें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड गिविंग मी सो मच ऑफ लव एंड सपोर्ट। इस अपना ध्यान रखें, थोड़ा सा मुश्किल वक्त चल रहा है, हम सबको अपना, अपने परिवार का और अपनी कम्युनिटी का ध्यान रखना है, तो प्लीज सारे प्रिकॉशंस लें, जरा सी भी लापरवाही ना रखें और सुरक्षित रहें। धन्यवाद।